लीजिए दोस्तों, हम फिर सीताकुंड जलप्रपात से, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था, पानी नहीं है उसमें, उससे निकल के नेक्स्ट आमा झरिया वाटरफॉल जा रहे हैं पिथौरा रोड में। कंटिन्यू यहाँ से ये 2.5 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है दूरी। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं वो भी। ये तो जो खेतों के पानी है, मतलब नाला है मान के चलिए, ये नदी वदी नहीं है, नाला है। आपके लिए बरसात में घूमना अच्छा रहेगा दोस्तों, बरसात में आइए, पानी अच्छा लबालब जो बहेगा खेतों से पानी, तो वो पानी आपको झरने के रूप में दिखेगा, वही है झरना। अब नेक्स्ट वाटरफॉल के लिए निकल चुके हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अंदर होगा ऐसा लगता है रोड से, देखते हैं दोस्तों। देख लिए सुनसान रोड है एकदम, और जियो का सीन तो अच्छा है दोस्तों, यहाँ नेटवर्क तो है उस पर। हमारे एरिया में बहुत ख़राब वो अलग हुआ था, इधर तो ठीक ठाक है, नेट चल रहा है। हमको नक्शा देखना है ना, नक्शा और नेट चलना चाहिए। पिथौरा यहाँ से 44 किलोमीटर दूर है। अब नेक्स्ट वाटरफॉल आमा झरिया जा रहे हैं दोस्तों, मैं के हिसाब से तो आने पहुंचने वाले हैं। मेन रोड से थोड़ा अंदर ही जाना पड़ेगा, इस साइड अपने दाहिने साइड, और अभी तक हमको रास्ता तो कोई नज़र नहीं आया है, एक पॉइंट एक पगडंडी भी नज़र नहीं आया है जहाँ से हम जा सकते हैं। 350 मीटर बता रहा है रास्ता है। पगडंडी भी हो तो बाइक चला जाएगा उसमें, भाई कार का तो नहीं बोल सकते हम। 90-100 मीटर, इसलिए तो ट्रेवल ब्लॉगर खासकर कार की जगह बाइक प्रीफर करते हैं, क्यों बाइक को कहीं भी ले जाया जा सकता है, कार पगडंडी अटक जाता है। उसके हिसाब से तो रास्ता निकल गया, ये रास्ता दिखा नहीं, हमें झरिया पता नहीं तो आगे होगा शायद, ये गूगल में कभी कभी थोड़ा जल्दी दिखा देता है। हमको तो रास्ता दिखा ही नहीं अभी तक, मैं के हिसाब से तो पहुंच गए हैं। ये होगा दोस्तों यहाँ से हमारा झरिया जाने का रास्ता। इस रोड में आगे में सीमा सोना खान का सीमा प्रारंभ, उस बोर्ड के पहले एक रास्ता कटा हुआ है दोस्तों। मेरे हिसाब से आमा झरिया जाने का रास्ता यही है, वाटरफॉल जाने का। अब कंफर्म करने के लिए जाना पड़ेगा इस रास्ते में, पता नहीं है दोस्तों, इसके हिसाब से तो यही आसपास होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों इसी रोड में आमा झरिया। गूगल मैप तो जैसा भी है, क्या है नेटवर्क गायब हो जाता है तो नक्शा गायब हो जाता है ना, तो देखते हैं दोस्तों। यही एक रास्ता दिख रहा है, कहीं तो सब जगह तार घेरा है, तो यहीं है, चलते हैं आगे, चल के देखते हैं कि आमा झरिया वाटरफॉल जाने का रास्ता यही सुनी ना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। वैसे बोर्ड तो कहीं लगा नहीं है दोस्तों आमा झरिया जाने के, पर एक यही एक रास्ता दिख रहा है हमको। खेत जाने का रास्ता पता नहीं, चल के देखते हैं आगे कहाँ जाने का रास्ता है, कोई मिलता है तो पूछ भी लेते हैं। ये आमा झरिया वाटरफॉल जाने का रास्ता, रेतीला जमीन है दोस्तों यहाँ भी। वैसे इस रास्ते में बहुत लोग चलते हैं ऐसा लगता है, देखते हैं आगे चल के कहीं पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है।
देखिए दोस्तों, एकदम जंगल के बीचों बीच है वैसे तो ये जगह तो एकदम। पहुंच गया ऐसा लगता है दोस्तों हमारा झरिया जलप्रपात, ये देखिए पहुंच गया। तो बोर वोर नहीं लगा दोस्तों, तो देखता के आइएगा। पहुंच गए हम लोग हमारा झरिया जलप्रपात वाटरफॉल, पर यहाँ भी वही हाल है दोस्तों, बरसात के पानी वाला नाला। ये दोस्तों हमारा झरिया जलप्रपात, जो देखिए कितना पानी चल रहा है, बह रहा है कम से कम, एकदम सूखा तो नहीं पड़ा है। ये हमारा झरिया जलप्रपात जैसे कि नक्शे में दिया गया है वाटरफॉल, तो ये भी बरसाती नाला है दोस्तों, पथरीला है और बरसाती नाला है। और ये है निष्कर तल, ठीक ठाक है दोस्तों, ये भी पिकनिक के बनाने के लायक, पर ये बरसात में है, बाकी टाइम तो कोई मतलब कोई भी नहीं। ये देखिए मुर्गा पार्टी भी होता है यहाँ पे, ये देखिए ये है दोस्तों आमा झेरिया वाटरफॉल। तो बरसात में ही सही टाइम है दोस्तों यहाँ आने का। ऊपर का नजारा ऐसे दिखता है दोस्तों, पानी कम से कम बह तो रहा है दोस्तों, थोड़ा बहुत ही सही, जो खेतों से बचा पानी वो यहाँ पे बह रहा है। यहाँ पे सब मुर्गा पार्टी करने आते हैं इस लगते हैं। इतना पानी से काम चल जाएगा, जो खाना वाना पकाना चाहते हैं वो पका सकते हैं इसमें, पार्टी के लिए पर्याप्त तो जगह है यहाँ पे। इधर देखिए दोस्तों, ये आपका आमा झरिया वाटरफॉल, पत्थर में लुढ़क रहा हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं।